हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे होममेड कॉलेजन पाउडर नेचुरल इंग्रेडिएंट से। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कॉलेजन पाउडर के बारे में, कॉलेजन सप्लीमेंट के बारे में, इंटरनेट पे, ऑनलाइन शॉपिंग में और तरह तरह की चीज़ों में हम इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि कॉलेजन होता क्या है। बेसिकली जो कॉलेजन एक प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, सपलनेस देती है और स्ट्रेच देती है, इलास्टिसिटी देती है। और जो कॉलेजन है, काफ़ी तरह के कॉलेजन बॉडी में पाए जाते हैं, बट जो मेन कॉलेजन होते हैं उसकी टाइप होती है 1, 2, 3। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो कॉलेजन की प्रोडक्शन है हमारी बॉडी में कम होनी शुरू हो जाती है। आप देखते हो ना, आफ्टर 30 या 35 हमारे फेस पे रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं और स्किन की जो इलास्टिसिटी वो कम हो जा कम लगना शुरू हो जाती है और जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि कॉलेजन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है और हमें लगता है कि हम एज्ड हो रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं। तो बेसिकली तो कॉलेजन की जो हमारी बॉडी में इंटरनल, अगर हमारी डाइट बहुत अच्छी है, बैलेंस डाइट लेते हैं, हमारी डाइट में जो प्रोटीन सोर्सेज हैं वो अच्छे हैं और वेजिटेबल अच्छे हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह हम अच्छे लेते हैं, तो हमारी जो कॉलेजन की प्रोडक्शन ठीक रहती है और हमारी एजिंग जो है वो जल्दी नहीं आती। तो पर जो लोग वेजिटेरियन, उनके लिए लिटिल डिफ़िकल्ट होता है कि उनकी डाइट में एग या नॉन वेज कम होता है। तो उन उनको ही मैं आज माइंड में रखते हुए मैं कॉलेजन पाउडर की जो रेसिपी आपको बताती हूँ कि हम घर में इसको किस तरह से बना सकते हैं। हाँ जी, कॉलेजन पाउडर के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हम लेंगे एलमंड एंड कैशू नट का मिक्सचर। एलमंड भी आप लाइक 100 ग्राम ले सकते हो एंड कैशू नट भी 100 ग्राम। जो एलमंड एंड कैशू नट, इनका मिक्सर बहुत अच्छा है क्योंकि इनमें जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर है, ये कॉलेजन की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इट्स हाई इन प्रोटीन, तो ये बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए। उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है मेरा पाल्क लीव्स। पाल्क लीव्स को इस तरह का पाउडर बनाना बहुत ईजी है। आप सर्दियों में अगर ये प्रोसीजर करते हो तो बहुत ही ईजी, क्योंकि पाल्क अवेलेबल बहुत प्लेंटी में होती है। पाल्क लीव्स को आपके लेके 15-20 दिन जैसे उसको ड्राई करके फिर उसका पाउडर बना लेना है। सेम वे से मैंने तुलसी का पाउडर बनाया है, वो भी आपने तुलसी के लीव्स ले लेने हैं और देन उसको ग्राइंड कर लेना है। बिकॉज जो लीफी वेजिटेबल्स हैं इनका क्या रोल है कि ये कॉलेजन की प्रोडक्शन में प्रीकर्सर जो है वो बनाती हैं, तो कॉलेजन की प्रोडक्शन को इन्हांस करती है। इसलिए ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है कॉलेजन का, तो इनको कभी भी भूलो नहीं। वैसे भी अब नेचुरल सब्जियाँ भी खाओगे तो डेफिनेटली आपकी कॉलेजन प्रोडक्शन में ये हेल्प करेगी, पालक अगर डेली बेसिस में भी लेते हो। बट अगर इसको आप ड्राई करके इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो प्रॉपर हो जाती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए मैंने लिया है आंवला पाउडर। जो आंवला पाउडर है इट्स रिच इन विटामिन सी। तो आंवले का भी मैंने सेम ही ऐसे ही आपने लाइक आंवले लेके, सिंपल जो भी ग्रीन आंवले लेके उनको आपने चॉप करके सन ड्राई कर लेने मिनिमम 15 से 20 दिन। उसके बाद आप इसको ग्राइंड कर लेना है ग्राइंडर में, और ग्राइंड करने के बाद ये इस तरह का पाउडर है। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉलेजन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्रिकर्सर है। जो विटामिन सी की प्रेजेंस में कॉलेजन की अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होती है और फॉर्मेशन भी ज़्यादा होती है, इसलिए ये सुपर इंग्रेडिएंट्स को मैंने ऐड किया है। इन सब इंग्रेडिएंट्स को आपने एक डिब्बे में लाइक इस तरह के किसी भी कंटेनर में डाल के आप 15 दिन के लिए रख सकते हो, 15 दिन का ये मिक्सचर बना के। तो इस पाउडर को आप 1 चम्मच डेली ले सकते हो विद ल्यूकवॉर्म वाटर, और बिफोर लंच ले सकते हो एंड बिफोर डिनर ले सकते हो। अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हो तो और भी अच्छा है। तो इट्स वेरी इजी, थोड़ी सी मेहनत है। 15-15 दिन के लिए आप स्टॉक बना सकते हो और साल में आप 2 या 3 बार ले सकते हो। ये लेके आपकी जो कॉलेजन की प्रोडक्शन है वो भी ठीक रहेगी। जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो ये बून है, और नॉन वेजिटेरियन भी ये ले सकते हैं। और वैसे जनरल में ये बताऊंगी कि अगर आप कॉलेजन की प्रोडक्शन फूड के थ्रू बढ़ाना चाहते हो तो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, विटामिन सी रिच फूड ज़्यादा लें और अपने प्रोटीन का ध्यान रखें। और अवॉइड क्या करें, मीठा, फ्राइड, तला, ये बिल्कुल अवॉइड करें बिकॉज ये कॉलेजन के प्रोडक्शन को कम करता है, आपकी स्किन को ख़राब करता है। तो दीज आर द सिंपल टिप्स, और ये वीडियो कैसी लगे मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इसे शेयर ज़रूर करना कि सब लोगों को पता चले कि हम कॉलेजन पाउडर जो है घर में भी बना सकते हैं। थैंक यू।